क्या तिवारी जी बने हैं शुभांगी यानी भाभी जी के तलाक का कारण? कैसे पड़ा रोहिताश का नाम तिवारी? और कौन कौन से सुपरहिट शोज का हिस्सा रहे हैं सबके पसंदीदा एक्टर तिवारी जी? जाने इस वीडियो में तिवारी जी की रियल लाइफ का, वो भी बिना किसी पर्दे के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोहिताश गौड़ एक भारतीय फिल्म और टीवी सीरियल एक्टर हैं, जिनका जन्म 14 मई 1971 को हरियाणा के कालका में हुआ। रोहिताश गौड़ ने लापतागंज में मुकंदीलाल का किरदार तथा NTV पर आने वाले शो भाभी जी घर पर है में मनमोहन तिवारी का किरदार बेहद शानदार निभाया है, जिसके कारण रोहिताश गौड़ को आज सभी भारतीय लोग मनमोहन तिवारी के नाम से जानते हैं। रोहिताश गौड़ ने अपनी शुरुआती शिक्षा हरियाणा के कालका के सरकार उच्च विद्यालय और बाद में सरकार महाविद्यालय से पूरी की और साथ फिल्मों में कदम रखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिग्री हासिल की और बाद में देखते देखते नाटक तथा फिल्मों में अभिनय करने लगे। मनमोहन तिवारी के नाम से जाने जाने वाले रोहिताश गौड़ ने अपनी करियर की शुरुआत 1997 से लेकर 2000 का पॉपुलर टीवी सीरियल जय हनुमान से की, जो कि उस समय का सबसे पॉपुलर शो था। यही नहीं, रोहिताश गौड़ ने 2009 में शुरू हुआ हास्य कार्यक्रम लापतागंज में मुकंदीलाल गुप्ता का वो भी महत्वपूर्ण रोल निभाया था। साथ ही मनमोहन तिवारी यानी रोहिताश गौड़ ने फिल्मों में अपना हाथ आजमाया है, जो कि उन्होंने फिल्म अभिनेता बनने की शुरुआत साल 2001 में वीर सावरकर से की थी, जहां वे सावरकर भाई गणेश की भूमिका निभाई थी। यही नहीं, रोहिताश गौड़ ने प्रथा, मुन्ना भाई MBBS, PK, अतिथि तुम कब जाओगे जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी रोल निभाया है। मनमोहन तिवारी भाभी जी शो में तो कच्चा बनियान का बिजनेस करते हैं और अपने नौकरों को कई कई महीने तक कंजूसी कारण पैसे नहीं देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो करोड़पति हैं। रोहिताश अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने में विश्वास रखते हैं। उनके पास कई शानदार गाड़ियां भी हैं। रोहिताश गौड़ भाभी जी घर पर है में अपने किरदार मनमोहन तिवारी के लिए एकदम फिट बैठते हैं और लोगों ने उन्हें बहुत प्यार भी दिया है। शो में मुख्य किरदार निभाने वाले रोहिताश गौड़ को हर दिन के हिसाब से लगभग 60,000 से भी ज़्यादा रुपये मिलते हैं। रोहिताश गौड़ की पत्नी रेखा एक रिसर्चर है। रेखा कैंसर रिसर्च के लिए काम करती हैं। वो बेहद सिंपल लुक में नजर आती हैं। उन्हें कुछ मौकों पर पति रोहिताश गौड़ के साथ भी देखा जा सकता है। रोहिताश गौड़ की दो बेटियां हैं, जिनका नाम गीती गौड़ और संजीता गौड़ है। टीवी शोज के अलावा रोहिताश गौड़ कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करते रहे हैं। आमिर खान की फिल्म PK में उनके पुलिस इंस्पेक्टर पांडे के किरदार को खूब सराहना मिली थी। कुछ बेहतरीन बॉलीवुड फिल्में जिनमें रोहिताश गौड़ ने काम किया है वो इस हैं: वीर सावरकर, प्रथा, पिंजर, मुन्ना भाई भी MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, अतिथि तुम कब जाओगे।